एक और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है कि क्या व्रत में सेंधा नमक का ही इस्तेमाल करना चाहिए या नॉर्मल नमक भी ले सकते हैं। वेल, सेंधा नमक का इस्तेमाल करने का एक साइंटिफिक रीजन भी है, क्योंकि व्रत में आप सारा दिन जो है वो फास्ट रखते हो। कुछ लोग तो सच में दिन में एक ही बार खाना खाते हैं, तो इसलिए जब वो एक बार खाना खाते हैं ना, तो सेंधा नमक का इस्तेमाल इसलिए कहा जाता है बिकॉज इट रेगुलेट्स योर बॉडी प्रेशर, यानी इट रेगुलेट्स योर ब्लड प्रेशर। तो आपको अपने बीपी का भी ध्यान रखना चाहिए। भगवान कभी ये नहीं कहते कि खुद को दुखी करके तुम मेरे उपवास करो तो ही मैं खुश होऊंगा, तो ही मैं तुम पर अपनी कृपा रखूंगा। तो भगवान ये कहते हैं कि कंट्रोल करो। व्रत का मतलब खुद को भूखे मारना बिल्कुल भी नहीं है। व्रत का मतलब है कि मैं अच्छे काम करूं, अपनी विल पावर को कंट्रोल करूं, अपनी विल पावर को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करूं। तो आप नॉर्मल नमक को डेफिनेटली ले सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि आपको सेंधा नमक ही खाना है। और दूसरी चीज़ जो इसी के साथ रिलेटेड सवाल है कि व्रत में क्या एक ही बार खाना खाना चाहिए, आई थिंक खुद का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा मैंने कहा कि व्रत का मतलब ये नहीं है कि खुद को परेशान करके हम ईश्वर को खुश करें, बल्कि उसका मतलब ये है कि अपनी आराधना को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें। पर मेरे वो लोग जो वेट करते हैं कि हम बाहर जाके नवरात्र स्पेशल थाली खाएंगे, उनके लिए इट्स अ डेफिनेट नो कि वो काम नहीं करना। व्रत में हमें खुद पर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है। तो अपनी इस जीभा को, कुछ अपने टेस्ट बड्स है ना, उनको कंट्रोल रखिए, व्रत अपने आप नौ पूरे हो जाएंगे। टेक केयर।